दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और क्रिसमस हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बुल्ली और शॉन की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है कि नहीं बुल्ली और शॉन, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है और जीप की चाबी भी घर में ही है, और अगर मैं घर में गया तो स्नोमैन मुझे देख लेगा और वहीं पर मार देगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो, कहीं वो हमें देख ना ले। लेकिन तभी जिसका डर था वही हुआ, स्नोमैन ने इन्हें देख लिया और वो इनकी तरफ गुस्से से मुड़ा और इन्हीं लोगों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आने लगा। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, लगता है ये अब इन चारों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी स्नोमैन को कुछ सुनाई देता है और वो पीछे देखने लगता है और गुल्ली बुली और शॉन भी उधर ही देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो किसी ट्रक की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये रोड पर भी कोई ट्रक ही आ रही है, लेकिन आधी रात को ये किसकी ट्रक हो सकती है। अरे ये क्या, इस पर तो बक्से लदे हुए हैं, इसका मतलब ये डीजे ट्रक है। लगता है गुल्ली बुल्ली ने ही डीजे मंगवाया है नाच गाना करने के लिए। ये ट्रक सीधे गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आकर रुक जाती है और तभी उस ट्रक की खिड़की को कोई खोलता है और बाहर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा घर लगता है, चलो चल के उतर के देखते हैं। और फिर वो मास्क मैन ट्रक से उतर जाता है और घर की तरफ देखने लगता है और फिर बहुत ज्यादा खुश होते हुए हंसने लगता है। लगता है ये कोई निंजा है जो गुल्ली बुल्ली की मदद करने आया है। गाइस, आपको क्या लगता है ये कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ी देर हंसने के बाद वो आदमी घर की तरफ देख के बोलता है, दोस्तों वैसे तो मैं एक कार्टून हूँ लेकिन इस स्टोरी में मैं एक चोर हूँ और इस डीजे के ट्रक को मैंने चुराया है और लेकर घूम रहा हूँ। और अब मैं इस घर को भी लूट लूंगा, काफी बड़ा घर लगता है, लगता है अंदर काफी ज्यादा माल होगा, आज तो इस घर में चोरी करके मजा ही आ जाएगा। और लगता है अब इस घर के अंदर कोई नहीं है। स्नोमैन उस चोर को देख रहा होता है और वो भी उसे ही देख रहा होता है और फिर वो घर के पास जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो रुक जाता है और स्नोमैन उस चोर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर स्नोमैन उस चोर को घूरने लगता है। तभी वो चोर बोलता है, कौन है रे तू, यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि यहाँ मैं चोरी करने वाला हूँ? देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर जान प्यारी है तो इस बर्फ से बाहर निकल जा। स्नोमैन बोलता है, नहीं, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत खतरनाक हूँ, इसलिए अंदर जो भी है बाहर आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन स्नो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सर को उल्टा सीधा घुमाने लगता है। ये देखकर चोर भी थोड़ा डर जाता है और बोलता है, अब बस बहुत हुआ, लगता है अब तुझे अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ गुल्ली बुल्ली और शॉन देख रहे होते हैं। तभी ये देखकर बुल्ली बोलता है, अब ये आदमी कौन है जो मास्क लगाकर स्नोमैन से बातें कर रहा है? गुल्ली, क्या तुमने इस आदमी को बुलाया है या फिर किसी और ने बुलाया है? तभी शॉन बोलता है, मुझे लगता है कि ये आदमी भी उस स्नोमैन के साथ मिला हुआ है और हमें मारने की तैयारी कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, गुल्ली बुल्ली मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं एक बार और पार्टी करके ही मरना चाहता हूँ। तभी गुल्ली बोलता है, तुम दोनों चुप करो, वो आदमी स्नोमैन को रोके हुए है और यही सही मौका है घर के अंदर जाने का और मैं यही करने जा रहा हूँ। तुम दोनों उस पर नजर रखना और अगर वो मेरे पीछे आए तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, अब ये लास्ट चांस है। और इसके बाद गुल्ली बिना शोर करते हुए दबे पाँव घर के अंदर जाने लगता है। गुल्ली बिना लापरवाही करते हुए जा रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसके साथ साथ बुल्ली और शॉन की भी जान चली जाएगी। गुल्ली गेट खोलता है और अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ ये चोर स्नोमैन को मारने लगता है। ये चोर स्नोमैन को 3-4 लात लगाता है लेकिन फिर भी स्नोमैन को कुछ नहीं होता और तभी वो स्नोमैन अपना लकड़ी का हाथ उस चोर के सीने के आर पार कर देता है
वो चोर वही मर जाता है। और तभी यार रॉड को भी होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। वो स्नोमैन को देखकर हैरान हो जाता है और वो उसकी तरफ जाता है। और तभी तो दोस्तों क्या होगा, अब क्या स्नोमैन मर जाएगा या फिर कुछ और होगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।